So very good morning to all. Hello everyone. Very good morning to all and welcome again to Let's Crack UPSC CSE. So this is our daily PIB analysis, okay, which we do on our daily basis at 10 a.m. 10 baje daily hota hai aapka. So let us see what are the important takeaways. Please let me know that everything is all right. Yeah, good morning, Sana, Rajvinder, Shiv, Mitali, very good morning. Okay, this is the question. Answer this question. This is basically related to the Employees Provident Fund Organization, EPFO, ke upar hai ye question. And this EPFO is in news because of your Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Yeah, good morning, Arti, Sana, Akshay, Meera, very good morning to all. Guys, read this question and try to answer the question. What should be the answer? A only, B only, okay. A matlab both are right and B means one is right. Look, second statement jo keh raha hai. What is the first statement? It is under this administrative control of the Ministry of Labour. Ministry of Labour ke under mein hai, Ministry of Finance ke under mein nahi hai. To pehla to ye statement hai. We'll see what should be the right. कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में होना चाहिए, लेबर के अंडर में होना चाहिए. ओके, सेकंड है आपका कि ये नोडल एजेंसी है फॉर इंप्लीमेंटिंग बायलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस. ठीक है ना, मतलब आपके जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं अगर वो इसमें यहाँ पे हमने कवर किया है, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल वर्कर भी कवर हो रहे हैं, ये मतलब है इसका सेकेंड जो स्टेटमेंट है. सो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, व्हाट शुड बी द आंसर. वन एंड टू, देखिए गवर्नमेंट रिलेटेड आप अगर अपने सिविल सर्विस का पेपर एनालाइज करेंगे ना, चाहे आप प्री का एनालाइज करो या मेंस का एनालाइज करो, ठीक है ना, तो 60-70% मेंस में, तो आपका 80% तक मेंस में 80% तक और प्री में 60-70% तक जो है वो जो करंट अफेयर है कहीं ना कहीं से यहीं से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम. ठीक है ना, आप यू ऑल आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप क्या है, सिस्टम का पार्ट होंगे, गवर्नमेंट का पार्ट होंगे. तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके इशू होंगे. गवर्नमेंट हर चीज़ को कवर कर रही है, इंक्लूडिंग योर प्राइवेट सेक्टर में भी जो इशूज़ आ रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट एड्रेस करने की कोशिश करती है. तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन है सब यहाँ पे पीआईबी में डिस्कस होते हैं. ओके सो यू हैव या वॉल्यूम का अगर देखिए आपको इशू है, यू कैन यूज़ द ईयरफोन्स. ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि अगर हम इसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका इको आने लग जाएगा, वॉल्यूम क्लियर नहीं रहेगा इतना. सो ट्राई टू यूज़ द ईयरफोन्स, विल सी व्हाट शुड बी द राइट आंसर. एंड अगेन दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी. एंड ओके, डेफिनेटली यू कैन जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वन ईयर के लिए आपका 36,000 है एंड फॉर टू ईयर यू हैव दिस 43,000 फीस. ओके, अगर आप 2021-2022 की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर दिस टू ईयर सब्सक्रिप्शन, वेरी इकोनॉमिकल. केवल एक साल दो साल में जो डिफरेंस है, एक महीने की फीस का है. एंड यूज़ दिस कोड लाइव आर बी टू गेट दिस 10% डिस्काउंट आपको हो जाएगा जब आप लाइव आर बी यूज़ करेंगे. ओके, इसके लिए आप प्रीवियस जो है वर्षा, आप जो पुराने पीआईबी एनालिसिस हैं या जो आपका करंट अफेयर होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बता रखा है. ओके, नो इश्यू ऑफ वॉइस, थैंक्स परवेज. एंड कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस पे आप व्हाट्सअप कर देना या कॉल करके पूछ सकते हैं. एंड गाइज, प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस पेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका स्पेशल क्लास होती है पेड प्लेटफॉर्म पे, वो फ्री होती है, और मैं यहाँ पे एक आपकी बजट की स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूँ जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा, कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे और करंट भी कवर हो जाएगा. सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस क्लास, स्पेशल क्लास. तो यहाँ पे आप इस पेज को फॉलो कर लेना, unacademy.com पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके राहुल भारद्वाज,
उससे आपको डेट टाइम पता चल जाएगा, आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, बजट में आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। स्टैटिक प्लस करंट दोनों कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा और करंट भी कवर करूँगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू गाइज। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है जहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। सो लेट्स स्टार्ट। विशाल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड दे विल लेट यू नो। ओके, यहाँ पे इस नंबर जो आपको दिया है वहाँ पे आप बता देना और यहाँ पे आप मैसेज छोड़ देना, दे विल लेट यू नो दैट कब आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड ऑल, या कोई भी आपको इंक्वायरी होगी यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। सो अगेन स्टार्ट। देखिए ट्राइफेड मैंने कवर किया हुआ है, पुराना जो आपका पीआईबी एनालिसिस होता है मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन दिस ट्राइफेड इज़ इन न्यूज़। ट्राइफेड जो है आपकी ट्राइबल, आपकी जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है ना, ट्राइबल जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो मार्केटिंग फेडरेशन है, एक तरह का कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है जिसको हमने कवर किया है पुराने जो पीआईबी एनालिसिस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है। तो ये एक तरह का कोऑपरेटिव मार्केटिंग आपका फेडरेशन है जो कि एक्ट करता है, ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पे, इनकम कैसे जनरेट की जाए ट्राइबल्स की, ठीक है ना। तो ट्राइबल ने आस्क किया है कि स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स है फॉर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज टू इनिशिएट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अवेलेबल फंड्स अंडर द एमएसपी फॉर एमएफपी स्कीम। तो एमएसपी तो आप जानते हैं, एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किन किन कमोडिटीज़ में होती है ये आपको पता है, ठीक है ना। डेली जो सुबह सात बजे वाली क्लास होती है करंट अफेयर की, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एमएसपी आपकी किन किन के लिए होती है, आपकी कमर्शियल क्रॉप के लिए भी होती है, आपकी रबी क्रॉप के लिए भी होती है, खरीफ के लिए भी होती है, आपकी कमर्शियल क्रॉप के लिए भी होती है, ठीक है ना, इन सभी के लिए आपकी होती है एमएसपी। तो इसी तरह से एमएसपी होती है आपकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। क्या होती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगी नॉन टिम्बर प्रोडक्ट होंगे, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जो कि आपके जो जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है ना, उसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका हनी हो गया, वाइल्ड हनी हो गया, ठीक है ना, आपके इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए आपके बहेड़ा है, शतावरी है, इस तरह के मेडिसिनल आपके प्लांट्स हैं, ओके, आपके नीम सीड्स हैं, नीम के जो सीड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आते हैं, ओके। तो ट्राइफेड ने कहा है कि आप, जैसे कि आपको पता है देखिए अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से आपका अगर यहाँ से प्रोक्योरमेंट नहीं होता है तो जो ट्राइबल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, उनको इनकम नहीं होगी, ठीक है, इनकम जनरेटेड इशू हो जाएगा। सेकेंड इशू है कि यहाँ पर जितनी भी माइनर फॉरेस्ट आपकी प्रोड्यूस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, देखिए जो भी एमएसपी क्या होती है आपकी, एमएसपी नहीं, एमएफपी क्या होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, क्या होते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसमें कौन कौन सी होती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रख लेना। बैम्बर भी नॉन इसमें आता है, नॉन टिम्बर में बैम्बू सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑप्शन में आ जाता है तो आप, बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन होता है, बच्चे कहते हैं सर बैम्बू तो इसमें आएगा, तो बैम्बू का ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपके होते हैं कैंस, फोडर, लीव्स, गम्स, वैक्सेस, ओके, ड्राई रेजिन्स, और इसके अलावा आपके कुछ नट्स होते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, वाइल्ड हनी होता है, लाख होती है, ओके, इसके अलावा टैमरिंड होते हैं, ठीक है ना, जो इमली होती है, नीम के बीज होते हैं, ये सब किस में आते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सप्लाई के लिए, किस चीज़ की सप्लाई के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स की सप्लाई के लिए। तो ये आपका जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होगा, फार्मा इंडस्ट्री है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें सप्लाई हो, क्योंकि ये सप्लाई नहीं होगी तो आपकी ड्रग्स नहीं बनेंगी फिर। स्पेशली आयुर्वेदिक ड्रग्स तो बनती ही हैं, आपके जो फार्मास्यूटिकल एलोपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स यूज़ होते हैं। तो ये एक स्कीम है, एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम। अंडर दिस स्कीम मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर एमएसपी, ठीक है ना, हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द सेलेक्टेड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बहुत सारी इसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। This scheme has been implemented in 8 states having scheduled areas as listed in the 5th schedule. तो Constitution of India का जो 5th schedule है, शुरू में उसके अंदर जितने भी 8 state हैं उनको यहाँ पर किया गया था, लेकिन बाद में since this 2016 the scheme is applicable in the all state. तो इसमें फंस मत जाना आप,
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें सारे स्टेट अभी इंक्लूड कर लिए हैं, पहले क्या था 8 स्टेट्स थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 5th शेड्यूल है। क्या है 5th शेड्यूल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शेड्यूल्स हैं आपके, कितने हैं? 10 हैं, 12 हैं, कितने शेड्यूल हैं बताइए मुझे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 5th शेड्यूल है उसके अंदर आपका वो डील कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट को छोड़ के जितने भी स्टेट के अंदर आपके शेड्यूल एरिया हैं जहाँ पे ट्राइब्स रह रहे हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है 5th शेड्यूल से, और इन 4 स्टेट्स का किस में होता है? 6th शेड्यूल से, या एवरीबडी नोज। ठीक है, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 10th आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी एक बार ऐसे ही पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, और ये 5th और 6th शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, दोनों शेड्यूल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों स्टेट के नाम भी ध्यान रखने कि ये 6th शेड्यूल के अंदर आपके आते हैं। किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए, आसाम तो याद रह जाएगा, इसके अलावा आप ये एक निमोनिक बना लीजिए, मिटमी, MITME, मिटमी से याद रह जाएगा, मिटमी, ओके। MI हो जाएगा आपका फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा एंड ME फॉर मेघालय, मिटमी से याद रह जाएगा, क्योंकि आप अभी याद भी कर लोगे 10-15 दिन बाद भूल जाते हो और फिर इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा, या एंटी डिफेक्शन लॉ से है। यहीं पे एक आपकी वंदन स्कीम है, ठीक है ना, वंदन स्कीम की बात हो रही है, तो वंदन स्कीम में ध्यान रखना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंक्लूड है, और ये आपका जो ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज इंक्लूडेड, ठीक है ना। ये इन दोनों का इनिशिएटिव है, लॉन्च हुई थी 2018 में। ऑब्जेक्टिव क्या है वंदन स्कीम का? टू इम्प्रूव द ट्राइबल इनकम्स थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ट्राइबल की जो इनकम है, ठीक है ना, आदिवासियों की जो आपकी आमदनी हो रही है उसको बढ़ाने की बात हो रही है ट्राइबल प्रोडक्ट से। अब ट्राइबल प्रोडक्ट ज़्यादातर क्या होंगे? या तो आपके हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, या फिर आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, जितनी हमने बात की। माइनर आपके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है मेडिसिनल प्लांट्स रिलेटेड जो आपकी प्रोड्यूस होती है, जो फार्मा इंडस्ट्री में जाती है, तो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेशन होती है, ओके। तो यहीं पे सपोर्ट देने की बात की जा रही है, एंड दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज द नोडल डिपार्टमेंट, और आपकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी ये ध्यान रख लेना, नोडल एजेंसी होगी ट्राइफेड, दिस फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ट्राइफेड आपकी नोडल एजेंसी होगी। ATM 2 से भी याद कर सकते हैं, व्हाट इज दिस ATM 2, एम से आपके कौन कौन से याद होगा? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, फिर आपका मणिपुर रह जाएगा, M2 लिखा है ना आपने, शिव ने भी एक अच्छा निमोनिक दिया है, ओके, दिस इज गुड, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा, M से बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे MI और ME रहेगा ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, MI एंड ME। देखिए, त्रिपुरा, असम तो याद रह जाएगा, इनमें कन्फ्यूजन होता है मेघालय है, मिजोरम है या मणिपुर है, ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन के लिए MI और ME इसको आप याद कर सकते हैं, ओके। अब आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है आपका न्यूज़ में है, क्यों है? क्योंकि आपके बहुत सारे, देखिए, लॉकडाउन है और सभी ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम है वहाँ से किया जाए, अपने मतलब इस तरह से मैनेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का काम है आप लॉकडाउन के बावजूद भी पूरा कर पाएं, तो यहाँ पे हेल्प ली जा रही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होगा? देखिए, एक तो आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ओके, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसे WAN कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया की को जो कवर कर रहा है नेटवर्क के हिसाब से। लेकिन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये क्या है? एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क आपने कवर कर लिया, ठीक है ना, एनक्रिप्टेड हो गया है। इट एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क एंड अनेबल यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा अक्रॉस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क्स एज इफ देयर कंप्यूटिंग डिवाइसेज वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया है, किस पे? पब्लिक नेटवर्क पे, और वहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपना जो भी डेटा शेयरिंग है एंड ऑल के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, आपका जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, VPN दिया जाता है ना आपको, VPN है ये बेसिकली, तो यहाँ पे आपका जो भी हेडक्वार्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जो ब्रांच है, होम यूज़र्स हैं, तो इस तरह से आप अपनी जो फंक्शनिंग है, ठीक है ना, आपका जो वर्क है, वर्क फ्रॉम होम, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये पब्लिक आपका जो नेटवर्क है उस पर इसको ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है आपका VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, कि यहाँ पे एनक्रिप्शन आप ले सकते हैं। एनक्रिप्शन से क्या होगा, आपके डेटा की सेफ्टी,
डेटा आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है। आप पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो डेटा की सेफ्टी बहुत बड़ी इशू होती है, तो यहाँ पे एनक्रिप्शन जो होता है कॉमन होता है वीपीएन में, दो नॉट एन इंटरनेट पार्ट ऑफ वीपीएन कनेक्शन, ठीक है ना। तो एनक्रिप्शन की वजह से क्या होगा, आपका सेफ हो जाता है कंपैरेटिवली। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, सिक्योरिटी होगा, मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क, जो प्राइवेट नेटवर्क के बेनिफिट होते हैं वो सभी आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे भी मिल जाएंगे। क्लास का पीडीएफ आप जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। ओके, राहुल भरद्वाज। ईपीएफओ की बात हो रही है, देखिए ईपीएफओ इज़ अगेन न्यूज़, हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पढ़ी थी, याद होगा आपको, गरीब कल्याण योजना आपकी पढ़ी थी, और वहाँ पे बात हुई थी कि आप किस तरह से अपना जो है यहाँ से फ़ंड जो है निकाल सकते हैं एंड ऑल। तो इसी तरह से आपका ईपीएफओ अगेन न्यूज़ में है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फ़ंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो आपका मनी इन हैंड का इशू है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या तो पैसे की आ रही है या फिर फूड की आ रही है, एसेंशियल सप्लाईज़ की, फूड एंड ड्रग की। अभी तो ड्रग का भी बहुत इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। आपकी कुछ जगह हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स, जो एसेंशियल मेडिसन्स होती है, एंटीबायोटिक्स का सप्लाई क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से मिल रही है। हालांकि सप्लाई जो है इसको मैनेज कर लिया जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होना देखा जा रहा है, ठीक है ना, फूड हो गया, ड्रग हो गया, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और डेफिनेटली यहाँ पे हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। इसी तरह से मनी की बात हो रही है, मनी इन हैंड, तो ईपीएफओ आपका न्यूज़ में, ईपीएफओ में ध्यान रख लेना, कुछ फैक्ट है। ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क्ड टू असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, जो कि आपका एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, इसको आपका असिस्ट करती है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की जो ये बॉडी है इसको असिस्ट करती है, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक स्टेट्यूटरी बॉडी है फॉर्म्ड बाय दिस एक्ट इन 1952। तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और इसको, इसका जो बोर्ड है इसको असिस्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं आएगी इसमें। सेकेंड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इट असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम, अ पेंशन स्कीम एंड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर द वर्कफोर्स एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द इंडिया, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड स्कीम आपका कर रहा है, इसके अलावा पेंशन स्कीम को भी कर रहा है, इंश्योरेंस स्कीम्स, इन स्कीम्स को ये कर रहा है, और जो कि आपके वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। And it is also the nodal agency for implementing bilateral social security agreements with other countries on the reciprocal basis. तो ये आपका जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ये स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। इसके अंदर में क्या होगा कि ये इंडियन वर्कर्स को तो कवर कर ही रहा है, एज वेल एज इंटरनेशनल वर्कर्स, इंटरनेशनल वर्कर्स जो आपके इन bilateral agreements के अंडर में आ रहे हैं उनको भी कवर करेगा। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार इंटरनेशनल वर्कर कैसे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो ये कवर हो रहे हैं जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ में बायलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे कवर होंगे। तो ये जो हमने क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होगा। सेकंड जो ऑप्शन था उसमें क्या होगा, द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग बायलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, तो ये ऑप्शन भी सही होगा, आंसर जाता है आपका ए। ओके, आंसर हो जाता है ए। Okay guys, so okay, this is all in today's PIB analysis. There is no much news because of that holiday. And अगर आपने आज जो सुबह 7 बजे वाला एक जो देखा था, ठीक है ना, अगर आप सुबह 7 बजे वाले करंट अफेयर सेशन में भी थे मेरे साथ, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वहाँ पे आपको पूछा था कि जो मुद्रा योजना है, याद आ रहा है आपको, प्लीज़ रेस्पॉन्ड, कि मुद्रा योजना है ये फॉरन बैंक दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इन्वेस्टोपीडिया में दिया हुआ है, इन्वेस्टो नॉट इन्वेस्टोपीडिया, दिस इज़ दिस विकासपीडिया, विकासपीडिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है, ऑथेंटिक सोर्स है, बट स्टिल दैट स्टेटमेंट वाज लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, कि फॉरेन बैंक्स भी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन बैंक्स भी मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दे सकते हैं। ओके, आई विल कन्फर्म दिस फैक्ट अगेन इन टुमारोज डेली करंट अफेयर क्लास। ओके, सो दिस इज ऑल गाइज, ओके, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके गाइज।